अवकलन दो फलों के भागफल का अवकलन हुआ। अभी तक हम लोग गुणनफल वाला बना रहे थे अवकलन, अब क्या है भागफल वाला अवकलन करेंगे। तो भाग है तो देखिए अभी भाग के रूप में log x बटा sin x, तो भाग के रूप में रहेगा, इसको याद रखते हैं ऊपर को क्या बोलते हैं अंश, नीचे को हर। ये हो गया आपको ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे बोलते हैं हर। तो इसका नियम आपको याद रखना है हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटा हर का स्क्वायर, ये क्या है इसका नियम है जब भी ऐसा रहेगा। क्लियर है? अब आपको रखना बस है, देखिए यहाँ पर क्या बोला पहले हर, हर के बदले क्या लिखना है साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स अंश के बदले क्या लिखना है लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस, इसमें माइनस है, फिर अंश के बदले क्या लिखना है लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, हर के बदले क्या लिखना है साइन एक्स बटा, फिर से हर के बदले लिखना है साइन एक्स और पूरे घात दो। क्लियर है? इस प्रकार मान को सही सही रखना है, फिर साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, लॉग एक्स तो डी बाई डी एक्स इसके सामने है तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है एक बटा एक्स माइनस, यहाँ पर लॉग एक्स वैसा ही रहेगा क्योंकि इसके सामने में डी बाई डी एक्स नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स के सामने डी बाई डी एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटा, इसको वैसे ही लिखना है साइन एक्स की घात दो, ये क्या है इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न, एक ही घात एक्स बटा एक्स ही घात एन, ये भी भागफल के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए आपका इसको रखना है हर के बदले क्या लिखना है एक्स ही घात एन डी बाई डी एक्स, अंश के बदले क्या लिखना है एक ही घात एक्स माइनस, फिर से अंश के बदले क्या लिखना है एक ही घात एक्स डी बाई डी एक्स, हर के बदले क्या लिखना है एक्स ही घात एन बटा, फिर से हर के बदले लिखना है एक्स ही घात एन और ये हो गया पूरी घात, ये एक ही घात एन वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए एक ही घात एक्स है, एक ही घात एक्स का अवकलन होता है क्या करना है एक ही घात एक्स इंटू लॉग ई ए, ये क्या होता है इसका अवकलन होता है। यहाँ पर एक ही घात एक्स को एक ही घात एक्स ही लिखना है, एक्स ही घात एन है, एक्स ही घात एन का ये वाला फॉर्मूला एन एक्स ही घात एन माइनस वन बटा, इसको तो वैसे ही लिख देना है, इसको आप चाहे तो एक्स ही घात एन की घात दो इसको दो बार इस प्रकार लिख सकते हैं एक सी घात एन इंटू एक सी घात एन, ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि एक से स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दो बार एक्स इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर एक रहता है यहाँ पर एक और एक जुड़ जाता है, वैसे ही एन और एन ये घात दो है उसको दो बार ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है दोनों के लिए है, यहाँ पर देखिए इसको आप दो बार ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा एक सी घात एन इंटू एक ही घात एक्स लॉग ई ए बटा, इसको इसके नीचे लिखेंगे एक सी घात एन इंटू एक सी घात एन माइनस, ये हो गया एक ही घात एक्स इंटू एन एक्स की घात एन माइनस वन, इसके भी नीचे लिखेंगे एक सी घात एन इंटू एक सी घात एन, मतलब ये दो बार उसको इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से ऐसा दो बार आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ से एक सी घात एन एक सी घात एन क्या हो गया कट गया, तो ये जो बचा इसको लिख देंगे एक ही घात एक्स इंटू तो घातांक के नियम से क्या हो जाएगा जैसे ऐसे है वैसे बटे के रूप में हो जाता है तो वैसे ये क्या हो जाएगा एक सी घात एन इंटू एक सी घात माइनस वन ऐसे हो जाएगा, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे अगर है ये एक सी घात एन माइनस वन को आप एक सी घात एन इंटू एक सी घात माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं बटा, ये क्या हो गया एक सी घात एन इंटू एक सी घात एन, यहाँ से एक सी घात एन एक सी घात एन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तब ध्यान से देखिए इसमें से अभिघनिष्ठ क्या निकलेगा, तो देखिए ये वाला एक ही घात एक्स बटा एक सी घात एन, एक ही घात एक्स बटा एक सी घात एन अभिघनिष्ठ निकल गया, इससे बचा लॉग ए माइनस इससे बचा एन
और x की घात माइनस वन। ध्यान से देखिए x की घात माइनस वन है तो घातांक के नियम से वो नीचे आ जाएगा, तो x की घात माइनस वन को आप घातांक के नियम से एक बटा एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a की घात x बटा x की घात n, ये हो गया आपका log a माइनस ये n हो गया, x आ जाएगा इसके नीचे। इस प्रकार आपको ध्यान देना है किस कहां पर वो कटेगा, कहां पर घातांक का नियम लग रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए अगला प्रश्न दिया है 10x plus cot x बटा log x, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, हर के बदले आपको लिखना है log x d by dx, अंश के बदले क्या लिखना है 10x plus cot x, फिर माइनस अंश के बदले आपको लिखना है 10x plus cot x d by dx और हर के बदले क्या लिखना है log x, बस आपको इस फॉर्मूले में रखना है बटा हर के बदले फिर से क्या लिखना है log x पूरे घात दो, इस प्रकार इसको रखना है। अब यहाँ पर देखिए log x वैसी रहेगा, ये बदलेगा क्योंकि इसके सामने d by dx है तो 10x, तो देखिए 10x के बदले हम क्या लिखेंगे sec square x, तो यहाँ 10x के बदले हो जाएगा आपका sec square x minus, so यहाँ पर plus है cot x, तो cot x के बदले क्या लिखना है minus cosec square x, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस का माइनस हो गया, ये वाला वैसा ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, यहाँ पर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का उपलब्ध क्या होता है वन बाई एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा वन बाई एक्स बटा, इसको तो वैसा ही लिखना है लॉग एक्स पूरे घात दो, यहाँ पर देखिए ये हो गया log x, ये हो गया आपका sec square x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस cosec square x, फिर इसको तो वैसा ही लिख देना है 10x plus cot x into 1 by x बटा, ये क्या हो गया आपका log x का होल स्क्वायर, ये क्या होगा इसका आंसर। ये प्रश्न चौथा साइन एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स, ये हर है आपके अंश, अब इसको रखेंगे ये हो जाएगा हर के बदले लिखना है वन प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, अंश के बदले लिखना है साइन एक्स माइनस, फिर से साइन एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स, हर के बदले लिखना है वन प्लस कॉस एक्स बटा, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स पूरे घात दो। अब देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस एक्स वैसा ही रहेगा, ये हो गया यहाँ पर ये साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तब ये हो गया यहाँ पर क्या कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर साइन एक्स नहीं बदलेगा वैसा ही रहेगा, यहाँ पर देखिए एक एक का अवकलन होगा जीरो अचर राशि है, और कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तब ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हो गया बटा नीचे को तो वैसे ही लिख देना है वन प्लस कॉस एक्स पूरे घात दो, यहाँ पर देखिए गुणा होगा कॉस एक्स का गुणा आप एक में करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स का गुणा कॉस एक्स में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन एक्स का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, इस पर आपको ध्यान देना है बटा नीचे को तो वैसे ही लिखना है वन प्लस कॉस एक्स घात, वैसे गुणा हो जैसे हम x और x का गुणा करते हैं तो x की घात क्या होता है दो होता है, वैसे ही साइन और साइन का साइन स्क्वायर x, अब ध्यान से देखिए ये दोनों स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, तो आप याद रखना है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो वैसे इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा एक, तो क्या हो गया ये कॉस एक्स प्लस इन दोनों के बदले लिखना है एक,
नीचे को वैसा ही लिख देना है, 1 plus cos x पूरी घात क्या हो जाएगा आपका 2। ध्यान से इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 plus cos x, क्योंकि नीचे में वैसे ही है तो इसको भी आगे पीछे लिख देते हैं। ये घात दो है मतलब इसको आप दो बार लिख सकते हैं, 1 plus cos x, 1 plus cos x, ऐसा आप दो बार लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा इसमें, ऊपर में 1 बचा और नीचे में 1 plus